हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा सिक्स लेक्चर है। हम कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस पर हम आरएच वेक्टर की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और अब हम तीसरी क्लास के बारे में बात करेंगे, जो है किंगडम फंजाई। तीसरी किंगडम जो है किंगडम फंजाई, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किंगडम फंजाई क्या है, कैसे दिखती है, और किंगडम फंजाई के टाइप्स। चार टाइप्स हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और टिट्यूरोमाइसिटिस। उसके बाद लास्ट टॉपिक है वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। तो फंजाई क्या, देखो फंजाई आर फिलामेंटस इन नेचर। कैसे होती है फंजाई, फिलामेंटस होती है नेचर, मतलब इनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। क्या होता है फंजाई के अंदर, एक फ्लूइड होता है। फंजाई क्या है, फिलामेंटस है नेचर में, यानी कि इसके अंदर क्या है, फ्लूइड होता है। उसके बाद क्या है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। तो जो फंजाई है उसकी बॉडी में क्या होता है, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइफे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोस्टली हेटरोट्रॉफिक इन नेचर एंड नोन एज सेप्रोफाइट्स। क्या कह रहा है कि फंजाई को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। कौन सी फंजाई को, जो क्या होती है, हेटरोट्रॉफिक होती है नेचर में, और मोस्टली सारी फंजाई क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, यानी कि मोस्टली सारी फंजाई अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करती, किसी और पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और जो फंजाई क्या करती है, दूसरों से एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर रही है, क्या कर रही है, ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर रही है, उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फंजाई ऑल्सो लिव एज सिम्बाइंट्स। क्या है फंजाई, किसकी तरह रहती है, सिम्बाइंट्स की तरह रहती है, मतलब किसी के साथ एसोसिएशन में रहती है, ठीक है। दैट इज इन एसोसिएशन विद एल्गी। अगर वो एसोसिएशन एल्गी के साथ है तो क्या हो गए, वो लाइकेंस। किसकी एसोसिएशन, फंजाई की एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ है तो क्या हो गया, लाइकेंस। और अगर फंजाई की एसोसिएशन किसके साथ है, हायर प्लांट्स के रूट के साथ, अगर फंजाई की एसोसिएशन हायर प्लांट्स की रूट के साथ है तो क्या बन जाएगा, माइक्रोराइजा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है फंजाई के अंदर। मेनली तीन टाइप से होती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में किससे होती है, तीन मेथड्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाती है और इंडिविजुअल्स क्या हो जाते हैं, दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बडिंग क्या है, एक किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ उग जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड, और बाद में ये बड मैच्योर होकर एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर है फिजन। फिजन का मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अपने आप को ब्रेक कर लेगा, दो इंडिविजुअल्स में करेगा तो बाइनरी फ्यूजन, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स में करेगा तो मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। फिर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, स्पोर्स के साथ, किसके अंदर, फंजाई के अंदर। स्पोर्स क्या है, राउंडेड शेप बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, राउंडेड शेप होते हैं ये स्ट्रक्चर, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म की अनफेवरेबल कंडीशंस को फेस करने में, यानी कि जब फंजाई की अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या हो जाएगा, स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। और जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी तो ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होकर क्या बनेगी, नई फंजाई, नया इंडिविजुअल, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, स्पोर्स से होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग टाइप की क्या है, फंजाई है, तो इन सब में क्या है, अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं जो बनते हैं और हेल्प करते हैं इनको। देखो मेनली तीन टाइप के स्पोर्ट्स हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स और जू स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लास्ट टाइप की, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो तीन टाइप से होती है, फर्स्ट वू स्पोर्ट्स, दूसरा एस्को स्पोर्ट्स और तीसरा है डेसिडियो स्पोर्ट्स, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, किंगडम फंजाई के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम जो इनकी चारों टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो हमने टाइप्स पढ़ ली हैं, पहले टाइप है फाइकोमाइसिटिस। तो फाइकोमाइसिटिस पढ़ते हैं क्या लिखा, देखो मैंने, दे आर मेनली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स। कहाँ होते हैं ये,
एक्वाटिक हैबिटेट मतलब पानी वाली जगह पे जहाँ पे क्या होता है पानी ज़्यादा होता है, और एक्वाटिक हम यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर के लिए, ठीक है। यानी कि कहाँ होते हैं ये, ताज़े पानी के अंदर होती है फाइकोमाइसिटिस फंजाई, ठीक है। और ऑन डैम्प प्लेसेस, या तो होगी कहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर है, यानी कि कोई लेक हो, कोई पॉन्ड हो, वहाँ पे, यहाँ पे डैम्प प्लेसेस, ऐसे एरिया, ऐसे डैम्प प्लेसेस वर्ड यूज़ किया गया जहाँ पे गड्ढे के अंदर पानी हो या फिर जहाँ की मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं डैम्प प्लेसेस, ठीक है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, या तो ये मिलेंगे फ्रेश वाटर के अंदर, या मिलेंगे डैम्प प्लेसेस के अंदर, या फिर कहाँ मिलेंगे, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच बिहेव एज पैरासाइट्स ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ फूड और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से टाइप के पैरासाइट्स हैं, वो वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमेशा पैरासिटिक बिहेव नहीं करते, लेकिन अगर बाय चांस फूड की शॉर्टेज होती है तो क्या करेंगे, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे। या फिर क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, कंडीशन उनके सपोर्ट में नहीं है, उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, तो वो क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म, किसी और प्लांट के ऊपर, किसके केस में, फाइकोमाइसिटिस फंजाई के केस में, कि वो किसी और प्लांट के ऊपर अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, उसे बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स और अप्लांट स्पोर्स, दो टाइप के स्पोर्स से होगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर, फाइकोमाइसिटिस के अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगी, कैसे, ज़ूस्पोर्स के साथ और अप्लैनोस्पोर के साथ, ठीक है। जो ज़ूस्पोर होते हैं वो मोटाइल है नेचर में, मोटाइल का मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो अप्लैनोस्पोर हैं वो कैसे हैं, वो नॉन मोटाइल है नेचर में, यानी कि वो मूव नहीं करते। देखो क्या बोला मैंने, फाइकोमाइसिटिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप से होगी, ज़ूस्पोर और अप्लैनोस्पोर से। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे क्या होगा, डाइगोट बनेगा। कैसे बनेगा डाइगोट, जब फ्यूजन होगी किसकी, दो गैमेट की, मेल और फीमेल दो गैमेट होंगे, ठीक है। लेकिन वो जो मेल और फीमेल गैमेट होंगे वो या तो सिमिलर हो सकते हैं, कैसे, मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि दिखने में अगर दोनों जो गैमेट हैं वो एक जैसे हैं तो क्या हो गया, आइसोगैमस, ठीक है। लेकिन अगर डिसिमिलर हैं तो अनआइसोगैमस, ठीक है। अब अनआइसोगैमस में भी एक टाइप आती है, उसको उगैमस। अनआइसोगैमस में भी क्या है, एक टाइप और आती है जो है उगैमस। तो जो उगैमस होता है ना, इसके अंदर जो फीमेल होगी, जो फीमेल गैमेट होगा ना, उसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा, किससे, मेल गैमेट से। देखो मैंने क्या बताया कि जायगोट कैसे बनेगा, दो गैमेट के फ्यूजन से बनेगा। अगर दोनों गैमेट का साइज सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है वो, तो हो गया आइसोगैमस। अगर डिसिमिलर है, दोनों एक जैसे नहीं दिखते, तो हो गया अनआइसोगैमस। लेकिन अगर फीमेल का साइज मेल से ज़्यादा बड़ा है तो किस तरह कैसे हो गए, वो हो गया ओगैमस, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है एस्कोमाइसिटिस। अब क्या है देखो, अब है हमारी सेकंड टाइप जो है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में देखो क्या लिखा है, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। क्या बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस को, सैक फंजाई, बिकॉज क्यों, इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे ही बेल लाइक होंगी, बोल लाइक होंगी, तो प्रॉपर इसका फिगर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए से क्या बोला है, सैक लाइक फंजाई। इसके एग्जांपल क्या है, यीस्ट, ठीक है। दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कैमोफिल्स। क्या है देखो, ये सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक यानी कि सेप्रोफाइट्स, जो क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या हो गए, सेप्रोफाइट्स। तो ये जो फंजाई है ये सेप्रोफिटिक भी है नेचर में, और क्या है, डीकम्पोजर है। डीकम्पोजर कैसे हुई है, बिकॉज ये क्या कर रही है, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। फिर क्या है, पैरासिटिक। पैरासिटिक कैसे हुई है नेचर में, बिकॉज ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या ले रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं। और जो लास्ट यूज किया है वो है कैमोफिलस, सॉरी कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस क्या होते हैं, ग्रो ऑन डंग, यानी कि एनिमल वेस्ट के ऊपर भी एस्कोमाइसिटिस ग्रो करते हैं,
और जो एस्कोमाइसिटिस ग्रो करते हैं डंग के ऊपर उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्रोफिल्स। ठीक है, क्या है देखो, सैक फंजाई है, सैप्रोफिटिक है, डीकम्पोजर है, पैरासिटिक है और कैप्रोफिलिक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला गया है, कोनिडिया। असेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं एस्कोमाइसिटिस में, कोनिडिया है। ठीक है, और कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं कोनिडिया को, ये कोनिडियोफोर्स। देखो एस्कोमाइसिटिस में कोनिडियोफोर हैं जो क्या करेंगे, कोनिडिया प्रोड्यूस, कोनिडियोफोर्स हैं एस्कोमाइसिटिस के अंदर जो क्या करते हैं, कोनिडिया को प्रोड्यूस करते हैं। और कोनिडिया क्या है, असेक्सुअल स्पोर्स है। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है एस्कोमाइसिटिस में, एस्कोस्पोर्स के हेल्प के साथ। ठीक है, कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटिस में, एस्कोस्पोर की हेल्प से, जो विच आर प्रोड्यूस्ड इन सैक लाइक एस्की। एस्कोमाइसिटिस के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं हम एस्की। वो एस्की क्या करती है, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और ये एस्कोस्पोर्स क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, देखो रिपीट कर रही हूँ मैं, एस्कोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स की हेल्प से होता है, और एस्कोस्पोर्स को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, एस्की प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस। ठीक है, दो हो गई हमारी टाइप, तीसरी टाइप है बैसिडियोमाइसिटिस। अब बैसिडियोमाइसिटिस की कॉमन फॉर्म्स क्या है, कॉमन फॉर्म्स आर मशरूम, जितने भी मशरूम हैं किस में आते हैं, वो बैसिडियोमाइसिटिस में आते हैं, और ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स में टाइप की फंजाई है जो किसके अंदर आती है, बैसिडियोमाइसिटिस के अंदर आती है। अब इन्हें इनकी शेप की वजह से ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स बोला जाता है। पफ बॉल्स की शेप होती है गोल, ठीक है, ऐसे होती है पफ बॉल्स की शेप। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बैसिडियोमाइसिटिस है वो ग्रो कहाँ करती है, ग्रो ऑन लॉग्स। लॉग्स क्या होते हैं, लकड़ी के बड़े टुकड़े। ठीक है, और सॉइल, ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। बैसिडियोमाइसिटिस कहाँ ग्रो करेंगे, लॉग्स पे ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, ट्री स्टम्स में ग्रो कर सकते हैं, और लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर भी, के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे, एक पैरासाइट की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इनके, रस एंड स्मट्स, ये दोनों क्या है एग्जाम्पल हैं किसके, बैसिडियोमाइसिटिस के। अब है असेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स जो हैं बैसिडियोमाइसिटिस के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडियोमाइसिटिस के अंदर नहीं होती। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसके अंदर बॉडी क्या करेगी, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेक्स ऑर्गन्स का है, एब्सेंट है। देखो बैसिडियोमाइसिटिस के अंदर नॉन असेक्सुअल स्पोर्स हैं, कैसे होती है, वेजिटेटिव मेथड से होती है। कौन सा वेजिटेटिव मेथड, फ्रेगमेंटेशन। अब सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है किसके अंदर, बैसिडियोमाइसिटिस के अंदर, तो कैसे होगी, प्लाज्मोगैमी से होगी। प्लाज्मोगैमी क्या होती है, दो अलग अलग वेराइटीज़ के जो प्लाज्मा है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और नई आउटकम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ की तरफ जो है ड्यूटेरोमाइसिटिस। देखो अब हम करते हैं हमारी फोर्थ क्लास जो है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखो क्या बोला जाता है, नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं हम, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नॉन, बिकॉज ड्यूटेरोमाइसिटिस में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव और असेक्सुअल फेजेस ही प्रेजेंट हैं। बैसिडियोमाइसिटिस में भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, प्लाज्मोगैमी हो रही थी, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटिस के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ क्या है, असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही है। ठीक है, दे ओनली रिप्रोड्यूस बाय कोनिडियोफोर्स। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस, कोनिडियोफोर्स की हेल्प से। कोनिडियोफोर्स क्या करेंगे, कोनिडिया को प्रोड्यूस करेंगे, और जो कोनिडिया है वो क्या करेगा, बाद में जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या है देखो, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स वाइल मोस्टली आर डीकम्पोजर्स। कि ड्यूटेरोमाइसिटिस में क्या है, कुछ ही मेंबर्स हैं जो सैप्रोफाइट हैं, या हम कहें कि पैरासाइट हैं, बाकी सभी के सभी जो क्या हैं वो हैं डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, उन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स।
एग्जाम्पल क्या दिया है डिट्रोमाइसिटिस में, इसका उन्होंने कॉलिटो ट्राइफन। ठीक है, अभी हमारी चारों जो टाइप्स हैं किंगडम फंजाई की वो कंप्लीट हो गई। लास्ट टॉपिक है हमारा वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन्स। लाइकन्स हमने पढ़ लिया। लाइकन्स क्या है? एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का, वो क्या हो गया लाइकन्स। अब बचा वायरस और वायरॉइड्स। वायरस और वायरॉइड क्या है? वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। किस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहाँ है? आउटसाइड द लिविंग सेल, कि उनके लिविंग सेल के बाहर जो वायरस का सेल है उसके आउटर एरिया में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, वायरस जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, जिस भी होस्ट सेल के अंदर उसने एंटर कर लिया, वो उसी होस्ट सेल की मशीनरी को क्या कर लेता है? रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, ताकि क्या हो, फर्क पता ही ना चले। तभी जो है वायरस का डिटेक्शन काफ़ी लेट होता है, क्योंकि जो वायरस हैं वो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसकी मशीनरी को बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं, बिहेव करते हैं कि जैसे वो उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब है वायरॉइड। तो जो वायरस है और वायरॉइड है, इसमें क्या फ़र्क है कि जो वायरॉइड है ना वो वायरस से भी ज़्यादा छोटे होते हैं शेप में, साइज में। तो वायरॉइड कब डिटेक्ट हुआ? 1971 में एक नया इन्फेक्शियस एजेंट आया जो क्या था? स्मॉलर देन द वायरस, और उसे क्या बोला गया? वायरॉइड बोला गया। ठीक है, अब इसके साथ हमारा सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।